अब इत्मीनान से बातें करेंगे, जी भर के बातें करेंगे। शोभा मैं दूध ले आऊं। रहने दो शोभा, कितने दिनों से आगे तरफ इस रुक अमृत को पीने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अक्कीवुड। दोस्तों मैंने फिल्म देखी जीने की राह, और ये फिल्म एक तरह से आपको जीने की राह दिखाएगी कुछ टाइप का, कि अगर आपके मन में चोर नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप चोरी कर रहे हो क्योंकि आपकी हालात आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको चोरी करनी पड़ रही है, तो जो वो आपके मन में या अंतरात्मा में जो बोझ बना रहता है उसको आप कैसे दूर करोगे और उस बोझ के साथ आप कैसे ज़िंदगी जियोगे, बस यही सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं शोभा के बिना कैसे रहूं? राधा भी कैसे रहेगी तेरे बिना? वो दिल की मरीज है, सारी जिंदगी कमाएगा फिर भी नहीं कमा सकता 2,00,000 रुपए। दोनों घरों को बचाने के लिए यही एक उपाय है, एक को खुशी मिल जाएगी, दूसरे की चिंता मिट जाएगी। इस फिल्म में जितेंद्र साहब होते हैं जिनकी बहुत सारी बड़ी फैमिली है और पूरा खर्चा जितेंद्र साहब को उठाना है। अब इनकी जॉब नहीं लग रही है तो उनको कैसे भी करके एक जगह जॉब मिल जाती है जहाँ पे सेठ को लगता है कि ये लड़का पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, तो वो सोचता है कि अपनी बेटी की शादी से ही करा दूंगा क्योंकि उसकी बेटी को दिमाग की कोई प्रॉब्लम है। अब इनको जबकि जितेंद्र साहब शादीशुदा होते हैं तो इनको लगता है अगर मैंने बोल दिया शादीशुदा हूँ तो शायद ये नौकरी यहाँ से निकल जाए और मेरा परिवार सड़कों पे आ जाएगा। माँ अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो गुजर कैसे होगी, सुधा की शादी कैसे होगी? ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं मैं तो कुबार आऊँ। अब ये लड़की भी इससे प्यार करने लग जाती है, ये फैमिली भी इससे अटैच हो जाती है और उनकी खुद की फैमिली तो है ही। अब ये जो बोझ उनके दिमाग पे है कि मैंने झूठ बोला है और उससे वो कैसे पार पाते हैं, बस यही सब इस फिल्म में है। इस फिल्म में जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है इस फिल्म के गाने। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके। गलियों में, चौबारों में, बागों में, बाहरों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जा। मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे, आप मुझे अच्छे बन जा। राधाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको बोर करे यानी पकाए, सारे गाने सुपर हिट है, सुपर हिट है, सुपर हिट है, मतलब मजा आ जाएगा गाने सुनकर और देखकर। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी क्या है कि आजकल के हिसाब से आपको लग सकता है कि थोड़ी कॉमेडी वे में लग सकती है या आप मजे ले लो फिल्म के कि इस तरह से वो एक्टिंग करते थे, इस तरह से एक्टिंग करते थे, लेकिन जब ये फिल्म आई थी तो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई थी। पूरा का फैमिली इमोशनल ड्रामा इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फिल्म को आपको देखो, मज़ा आएगा, मेरे को तो मज़ा आया। और अगर आप ज़्यादा ही बिजी रहते हो तो इस फिल्म को आप आधा आधा घंटे में अगर देख लेते हो 2-4 दिन में तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये तो फिल्म की बात हो गई और फिल्म तो अच्छी है, इसे आप डेफिनेटली वॉच करो, मेरे को तो मज़ा आया। तो दोस्तों बस इतना ही करना फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।